मॉडर्न एरा में ड्रोन्स की बाढ़ सी आ गई है। हर देश एक से बढ़कर एक एडवांस ड्रोन बनाकर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इस दौड़ में अब चीन ने भी बड़ी छलांग लगाई है। चीन ने अपने नए और सबसे बड़े ड्रोन पर से पर्दा हटाया है। चीन ने एक बड़े टिल्ट्रोटर ड्रोन को बनाने का खुलासा कर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो 547 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से 2 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट की ओर से बने ड्रोन को लैनिंग R6000 नाम दिया गया है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में पहली बार दक्षिण पूर्वी चीन में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी से बाहर आया। 6 टन का प्लेटफॉर्म मानव युक्त और मानव रहित दोनों तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इसमें अधिकतम 10 यात्री तक सवार हो सकते हैं। ये अधिकतम 4000 किलोमीटर की दूरी और 25000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई हासिल कर सकता है। लैनिंग R6000 की सबसे पहली झलक फरवरी में सिंगापुर एयर शो में दिखी थी। बताया जाता है कि इसका पहला प्रोटोटाइप अगले महीने जुआही एयर शो में शुरू होने की उम्मीद है। ये ड्रोन एयरोस्पेस में चीन के एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाता है। नए चीनी UAV के सामने आने के बाद इसकी तुलना अमेरिका के V-22 ऑस्प्रे विमान से की जा रही है, क्योंकि ये अपने भारी वजन के बावजूद टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड भी सामान्य ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के मुकाबले काफी ज्यादा है, ऐसी क्षमता जो केवल ऑस्प्रे जैसे आधुनिक विमान के पास ही होती है। ऐसे में ये कई मायनों में अमेरिकी ड्रोन को टक्कर देने का दमखम रखता है। हालांकि लैनिंग R6000 भार उठाने की क्षमता के मामले में बेल बोइंग मॉडल की तुलना में पीछे है, जो 24 यात्रियों या 4535 किलोग्राम तक का माल ले जा सकता है। एक बार तैनात होने के बाद टिल्ट्रोटर ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन, खुफिया निगरानी और टोही मिशनों में कारगर रहा है। उड़ान भरने और उतरने के दौरान इसके रोटर सीधे ऊपर की ओर घूमते हैं, जिससे ये हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा सकता है। हवा में उड़ने के बाद रोटर सामने की ओर झुक जाते हैं, जिससे ये आगे की ओर उड़ान भरने में सक्षम हो जाता है। इसका मतलब है कि इसे उड़ान भरने या उतरने के लिए रनवे की जरूरत नहीं है, फिर भी यह जल्दी और कुशलता से लंबी दूरी तय कर सकता है। इसे अक्सर हाइब्रिड VTOL ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने रोटर की स्थिति को बदलता रहता है। इसकी अत्याधुनिक तकनीकी खूबियां इसे पारंपरिक विमानों से अलग करती हैं। टिल्ट्रोटर ड्रोन को वर्तमान में नागरिक उपयोग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ड्रोन सैन्य उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है या फिर नहीं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट ने सिंगापुर एयर शो में बताया था कि कंपनी विमान को कार्गो या यात्री परिवहन जैसे नागरिक कार्यों के लिए तैयार कर रही है।